बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और ये जो मेरा लास्ट व्लॉग था, उधर से ही मैं दोबारा मतलब स्टार्ट ले रही हूँ, वहीं से कि हम कहाँ पहुँचे थे। हम होटल में पहुँच गए हैं और ये ओशियनिक होटल रेस्टोरेंट है, मतलब नहीं रेस्टोरेंट नहीं, होटल है फुजैरा में। स्पा भी है इस, ये हम लोगों ने जो डील ली थी उसमें स्पा भी फ्री था, जिम भी फ्री था। लेकिन खैर हमें मौका ही नहीं मिला ना जिम देखने का ना स्पा, क्योंकि वन नाइट में तो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि साथ ही जो था पूल भी था, होरफकान बीच था, सब कुछ था। और ये पूल में हम आए हुए हैं, बहुत हमने इंजॉय किया। और अब जब हम पूल में आए, क्योंकि हम वीकडेज़ में आए थे तो इतने लोग नहीं थे, कम ही लोग थे। वैसे सुना है कि वीकेंड्स पे वो कह रहे थे बहुत रश होता है, लेकिन हम लोग वीकडेज़ में आए हुए थे तो बिल्कुल रश नहीं था। ये हमने जी ग्रुपॉन एक वो है ऐप, उसमें से हमने वो लिया था, वो वाउचर लिया था, उसमें मतलब कूपन था। तो कूपन जो था वो 200 दिरहम पर नाइट थी, उसमें मतलब ब्रेकफास्ट था, फ्री स्पा था, फ्री वो था जिम था, और 40 दिरहम उन्होंने साथ टैक्स लिया, मतलब टोटल 240 दिरहम टू मतलब दो एडल्ट्स और दो बच्चों के साथ जो था वो, और ब्रेकफास्ट बूफे फ्री था। तो ये हमने पैकेज लिया था जो बड़ा ही अच्छा और सस्ता पैकेज था, बहुत ही मुनासिब था। इसीलिए हम लोगों ने कहा चलो हम हो ही आते हैं, और वीकेंड पे ये पैकेजेस नहीं इतने मतलब मिलते मुनासिब, तो वीकेंड्स पे थोड़े ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। तो खैर हमारी तो गाड़ी भी थी, अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी ने हमारा साथ दिया। क्योंकि इधर आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप लोग इधर आए ना, तो कार आपकी बहुत अच्छी सही पायदार इस तरह की होनी चाहिए कि मतलब माउंटेंस पर इस तरह चढ़ाई वगैरह कर सकें। तो साथ ही मतलब इतना अच्छा था, साथ ही जो था होरफकान बीच था, बीच पे भी हम गए, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी बीच में सैंडी जो एरिया, वहाँ बीच भी के साथ विलास भी थे जो रेंट पे आप लोग रह सकते हैं, जब ज़्यादा लोग हों तो वो ज़्यादा आपको मुनासिब पड़ जाता है। और बहुत ही अच्छा था, साथ झूले थे, राइड्स थी, बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही माशाल्लाह इंजॉय किया। लेकिन थकावट तो हुई, लेकिन साथ साथ बंदा फ्रेश हो जाता है एकदम। मौसम अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, हम लोग जब वहाँ से निकल गए तो फिर बहुत बारिश हो गई थी। खैर एकदम यहाँ पे पता ही नहीं चलता, एकदम बारिश भी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है जब हम पहुँचे तो हमें पता चला, न्यूज़ में हमने देखा कि पीछे से बारिश शुरू हो गई थी। तो खैर प्लानिंग करके आना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो। और ये साथ ही देखें, ये होटल है और साथ ही मतलब इसके पीछे जो है इतना खूबसूरत मंज़र है, बीच बना हुआ है बहुत ही प्यारा। What a beautiful place. होटल के साथ ही बीच है और आई थिंक ये विलास है। हाँ ये साथ विलास है, ये क्या बने हुए हैं, विला है ये जो है, ये विला बने हुए हैं, ये रहने के लिए, इनको भी बुक कर सकते हैं। अच्छा Wow, water! Mommy, look at the beach!
और ये नाइट व्यू है जो रात के टाइम हम थे, 1 नाइट ही हम स्टे करने गए थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो एक्सपीरियंस करना था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 2-3 रातें रहेंगे। और नाइट व्यू भी बहुत अच्छा था, रात को भी हम थोड़ा बाहर निकले थे, खाना वाना खा के हम फिर निकले थे। साइड पे पार्क था, बीच था, हम उधर दोबारा गए थे। मतलब साइड वाली जो जगह है वो अलग, मतलब ये जगह ऐसी थी कि आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ था घूमने वाला। तो ये होटल हमें इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये हम बाहर निकले और इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है, इतना प्यारा लग रहा था। और जो पाम ट्रीज़ थे बीच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और महानूर को हम झूले दिलाने लेके गए थे कि अब वो थोड़ी राइड्स वगैरह भी ले ले और सही इंजॉय कर ले। अगर आपको फुजैरा आना है तो आई थिंक इससे अच्छी जगह और इससे अच्छा होटल शायद ही कोई हो, क्योंकि हमने और भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए थे लेकिन इर्द गिर्द कुछ नहीं था। हमें ड्राइव करके मतलब इधर उधर जाना पड़ता, तो हमें ये था कि आराम से सामान रखा और बस फिर इधर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पार्क, बीच सब कुछ था। और जेट स्की वगैरह भी थे, बोटिंग भी थी, सब कुछ था यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आई थिंक ओशियनिक होटल सबसे ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। मौसम दोपहर को तो काफ़ी गर्मी थी और जैसे ही शाम हुई, जैसे ही मतलब सूरज ढला तो मतलब 4 बजे से अच्छा मौसम हो गया था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, तो अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा था, काफ़ी सफाई वगैरह की हुई है उन्होंने, काफ़ी अच्छा था बना हुआ। और पार्क्स वगैरह करीब इतने ज़्यादा थे, मतलब राइड्स वगैरह जो स्विंग्स हैं और ये वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा था। सामने रेस्टोरेंट भी थे, KFC और हार्डीज, पिज़्ज़ा हट। और यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह करने भी आए हुए थे। बड़ी फैमिलीज हो ना या बच्चे ज़्यादा हो तो फिर पिकनिक ज़्यादा सूटेबल होती है, ज़्यादा मज़ा आता है, हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और ये टेलीफोन बूथ हमने देखा, इतना अच्छा लग रहा था, पुराना सा बना हुआ लेकिन अच्छा है, उन्होंने हटाया नहीं। तो ये कुछ एंटीक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें कॉइन्स, उस पर काफ़ी गर्द था तो मैंने फिर रख दिया। मैं सोच रही थी इसको ज़रा देखती हूँ तो थोड़ी इसकी वीडियो बनाती हूँ। ये भी अच्छा लग रहा था बूथ, ये भी होटल के बाहर था। और ये मैं रूम दिखा रही हूँ, ये रूम है जी हमारा, और काफ़ी अच्छा रूम है। नूर ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया रूम में, और वाइट बेड वो कह रही थी मुझे चाहिए, मुझे वाइट बेड बहुत पसंद आया है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। माशाल्लाह हमने भी इंजॉय किया, लेकिन इतना ज़्यादा घूमी फिरी के उसके रात को टांगों में इतना दर्द हुआ कि फिर बस सोने नहीं दिया उसने, खुद भी नहीं सही सो पाई और हमें भी सोने नहीं दिया। वॉशरूम भी है, कबर्ड भी दिखाती हूँ मैं, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा उन्होंने सही सैनिटाइज करके दिया है। वैसे तो ये 4-स्टार होटल है लेकिन मैं समझती हूँ उसको 5-स्टार ही होना चाहिए।
और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे सुबह 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 तो ज़्यादा नहीं उठा गया, सोया ही नहीं गया। 6:30 से ब्रेकफास्ट स्टार्ट था तो मैं कोई पहुंची शायद 8 o'clock के करीब। तो ये ब्रेकफास्ट बुफे था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक्स, वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन जो भी चीज़ें थी सभी बहुत मज़े की थी। कॉर्न और ये पोटैटो का कोई कटलेट है वो था, और सब कुछ ही बहुत मज़े का था। बुफे पे नहीं बना सकी वीडियो क्योंकि वो तो खुद सर्व कर रहे थे, कोरोना की वजह से आप खुद से नहीं डाल सकते, तो इसलिए जो उनको जितना कहते हैं वो आपको मतलब सर्विंग का डाल देती हैं। चाय वगैरह भी मैंने टेबल पे मंगवा ली, ऑमलेट मैंने उनको ऑर्डर दे दिया था मुझे क्या क्या डालना है, मैंने सिर्फ चीज़ डलवाई थी, चेडर और मोज़रेला चीज़, तो बड़ा अच्छा ऑमलेट बना कर दिया था उन्होंने। फ्रेश ऑमलेट स्टेशन होता है, जो जो आपने डालना होता है, पेपरोनी, सॉसेज या कोई भी वेजिटेबल्स, अनियन वगैरह, कैप्सिकम, तो आप अपनी पसंद से डलवा लेते हैं। और साथ इतना अच्छा अच्छा व्यू साथ में देख रही थी और बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि बस दिल कर रहा था हम 1-2-3 रातें और स्टे करें यहाँ पे। लेकिन खैर हमने बुकिंग जो कराई हुई थी वो 1 night की थी, तो हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से हम आएंगे। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर होके आएँ, आप इंशाल्लाह बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।